हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सीएसएस के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी। तो अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और लेट्स सी के आगे थर्ड लेक्चर में सीएसएस के हम आपको क्या सिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू क्लासेस तक मैंने आपको बता दिया था। लेट्स मूव ऑन टू अदर एस्पेक्ट्स लाइक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कुछ एग्जांपल हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, सीएसएस के फॉन्ट्स के बारे में बताऊंगा एंड कुछ एनिमेशन की बात होगी, सीएसएस के लेआउट की बात होगी, बॉर्डर रेडियस वगैरह, मीडिया क्वेरीज। राइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो जो पुरानी फाइल्स हैं लेट मी क्लोज इट डाउन। जी, तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पैराग्राफ को अपर केस करना है तो यहाँ पे मैंने अपर केस की क्लास लगा दी है। यहाँ पे सब लोअर में लिखा हुआ है अल्फा पिलर इज ट्रांसफॉर्म टू अपर केस। राइट, तो मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया है सीएसएस के अंदर अपर केस में। इसी तरह मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर कर दिया है लोअर केस की क्लास में एंड कैपिटलाइज कर दिया है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज की क्लास में। तो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड चेक कि क्या इफेक्ट है इसका। तो आप देखेंगे ये सारा का सारा पहला वाला जो पैराग्राफ था वो अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड द लोअर वाला लोअर में हो गया है और ये वाला जो पैराग्राफ है ये इसने इसको कैपिटलाइज कर दिया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल टेक्स्ट शैडो। ओके, तो आप यहां पे देखें कि H1 पे मैंने यहां पे डायरेक्टली शैडो 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल और कलर यहां पे येलो दे दिया है। राइट, तो H1 में मैंने लिख दिया है अल्फा पिलर। तो लेट्स चेक कि ये कैसा दिखेगा, थोड़ा क्लोज अप करके देख लेते हैं। तो 100% पे तो 2 पिक्सल बाय 2 पिक्सल का ही डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो ये आप इसको 100% पे देख रहे हैं, तो ये 100% हो गया और शेडो कलर जो है वो येलो है एंड 2 बाय 2 पिक्सल का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। अब आप ये देखेंगे इसको 2 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल और फिर मैंने रेड किया है, तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा नजर आ रहा है। तो ये देखिए 2 पिक्सल 2 पिक्सल, अब इसने काफी अच्छा ब्लेंड किया है इसको, तो कलर मैंने रेड दे दिया है इसके अंदर। राइट, कलर्स आप हेग्स में भी दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, इसने वाइट कलर दे दिया था और शेडो कलर जो है वो ग्रे ग्रे से आपको नजर आ रहा है और इसमें कुछ ब्लर का इफेक्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पिक्सल 2 पिक्सल डिस्प्लेसमेंट और 4 पिक्सल शेडो ब्लर दिया है। मैं इसको 10 पिक्सल कर दूंगा तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप देख लें, अच्छा खासा ब्लर कर दिया इसने, इसका रेडियस बढ़ा दिया ब्लर और कलर की कंसंट्रेशन भी कम हो गई है। तो वापस कर देते हैं। फर्दर ऑन एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। अब मैंने 0 0 दे दिया और 3 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो इसका इफेक्ट आपको बहुत कम नजर आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर हुआ ही नहीं है शैडो का, इसने जो ओरिजिनल पोजीशन है उसी से इसको लेके आगे ब्लर लगा दिया है और 3 पिक्सल का। ठीक है, अगर मैं इसको 10 पिक्सल तक बढ़ा दूंगा तो
फॉर एग्जाम्पल कलर को, तो आप देखें ये और 10 पिक्सल तक बढ़ गया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और आगे जो है इसका ब्लर का रेडियस बताया हुआ है कि कितने पिक्सल तक इसको लेके जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। टेक्स्ट शेडो को एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो मुख्तलिफ कलर दिए हैं, राइट। तो ये फिफ्थ एग्जांपल को मैं खोलता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कैसा इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, राइट। इसमें दो कलर दिए हैं, एक स्टार्टिंग कलर है और एक एंडिंग कलर है, और दोनों की डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अब इसमें तीन कलर दिए हैं, ब्लैक से स्टार्ट होगा, ब्लू पे जाएगा और फिर डार्क में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 1 पिक्सल 1 पिक्सल और रेडियस 2 दिया हुआ है, 0 0 25 पिक्सल 0 0 5 पिक्सल। ठीक है, इसका इफेक्ट देख लेते हैं। तो ये आप देखें, तो ये स्टार्ट किया इसने ब्लैक से, फिर ब्लू पे गया है एंड देन डार्क ब्लू, और रेडियस भी इसकी अलग अलग दिया। ठीक है, तो ये कुछ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल्स थी। तो आप देखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, पहले मैंने आपको बताया सिंगल कलर से, फिर मैंने आपको बताया कि आप इसको मल्टी कलर कर सकते हैं, एक से स्टार्ट होगा दूसरे तक जाएगा, इवन आप इसको 3 कलर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने ये टेक्स्ट कलर वाइट दिया है और टेक्स्ट शेडो जो है इसका ये अप्लाई कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। अब हम आपको बताएंगे कि फॉन्ट को किस तरह से आप मैनिपुलेट करते हैं। तो इसकी फाइल को खोलें। अच्छा, ये पुराने वाले भी मैं बंद कर दूं। अब आप ये देखें कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा पाया है अल्फा सीडर ऑन फायर, और वाकई ये ऐसा लग रहा है, इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, जैसे कि आपने इसको जला दिया। अच्छा, तो ये कैसे किया है? अब यहाँ पे आप देखें कि CSS यूज किया है, उसका CDN मैंने यहाँ पे लगा दिया, और फॉन्ट फैमिली का नाम है सोफिया इफेक्ट फायर। ठीक है, तो फॉन्ट का नाम सोफिया है और उसका जो इफेक्ट पास ऑन हो रहा है यहाँ से वो फायर का है। तो ये आपने स्टैंडर्ड गूगल के फॉन्ट यूज किए हैं। आगे जो स्टाइल लगाए हैं फॉन्ट फैमिली सोफिया या सैन सेरिफ, तो इसको सोफिया मिल गया है क्योंकि इसने यहाँ से डाउनलोड कर लिया फॉन्ट को, और उसके बाद इसने फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दिया है, और इस जो फॉन्ट की जो क्लास है फॉन्ट इफेक्ट फायर, ये अप्लाई हो गया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट फायर CSS के अंदर नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये डाउनलोड हुआ है यहाँ से। ठीक, स्टाइल शीट इसकी, तो ये CDN आपने ऊपर लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये वही सोफिया है, लेकिन इसमें आपने इफेक्ट नियॉन, आउटलाइन, इंडोर्स, शेडो मल्टीपल, ठीक है, ये पाइप लगा के आपने मल्टीपल इफेक्ट यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, और अब आप ये देखिए कि फॉन्ट इफेक्ट नियॉन जो है वो पहले वाला मैंने डाल दिया है, फॉन्ट इफेक्ट आउटलाइन जो है वो आउटलाइन इफेक्ट पे मैंने लगा दिया, और इसी तरह से इंबोस इफेक्ट जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। देन फॉन्ट इफेक्ट शेडो मल्टीपल यहाँ लास्ट वाले पैराग्राफ हेडिंग पे लगा हुआ, ठीक है, और इसमें बॉडी में ही सबका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल दे दिया है। तो लेट्स चेक कि इसकी क्या आउटकम आ रही है नजर हमें। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, यहाँ आप देखें न्यून इफेक्ट दे रहा है या आउटलाइन इफेक्ट दे रहा है, फॉन्ट फेस हुई है सोफिया, ठीक है, इम्बॉस इफेक्ट यहाँ पे ये दे रहा है, और यहाँ पे मल्टीपल शेडोज का इफेक्ट दे रहा है। Let's move on to the next example of icon.
तो आप यहाँ पे देखें कि डिफरेंट आइकॉन यूज हो रहे हैं। अच्छा, जब ये डाउनलोड नहीं हुआ था तो आपको ये आइकन नजर नहीं आ रहे थे, और अचानक इसने ट्रांसफॉर्म करके जब फोन डाउनलोड हो गया तो आइकॉन्स दिखाना शुरू कर दिए। ठीक है, ये क्लाउड है, ये हार्ट का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे अटैचमेंट का है, कंप्यूटर है, देन सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल का। तो आपको अगर आइकॉन यूज करने हैं तो बेहतर है कि आप गूगल के स्टैंडर्ड आइकन जो उन्होंने दिए हुए उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। की वजह यह है कि अगर आप आइकॉन जो है वो ग्राफिक्स की फाइल बना के इस्तेमाल करेंगे तो वो हैवी वेट हो जाएगा, और ये जो है काफी लाइट वेट है। क्लाउड फेवरेट में हार्ड का आ गया, अटैचमेंट, कंप्यूटर एंड ट्रैफिक, तो मटेरियल आइकन इसने यूज किया है। तो अगेन ये गूगल से डाउनलोड हुए हैं फॉन्ट्स, और फॉन्ट्स फैमिली यहाँ पे मटेरियल आइकन है। मटेरियल आइकन के दरमियान स्पेस है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया गया। क्लास जो है मटेरियल आइकन की यहाँ पे डिफाइंड है ऑलरेडी, इसको इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें क्लाउड का साइज बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ कलर रेड हो गया, यहाँ लाइट ब्लू हो गया है, और 24 से लेके 60 तक गया है। तो आप देख लेंगे यहाँ पे ये इफेक्ट इसका नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया क्लाउड के इफेक्ट या फॉन्ट्स आइकन वगैरह आपको दिखा दिया, फॉन्ट्स भी बता दिया। तो इसको पुराने वाले में सैंपल्स क्लोज कर देता हूँ तो आपको फर्दर जेंड इंडेक्स में समझा सकूँ। अच्छा, अब ये जो जेंड इंडेक्स होता है इंडेक्स इमेज का, ये ऐसे ही है जैसे कि फोटोशॉप के अंदर आप अपने कैनवस के अंदर लेयर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसने यहाँ पे पहले क्या किया है, इमेज के ऊपर इसको अप्लाई किया है। इमेज जो है वो ट्री इमेज है पीएनजी, तो इमेज दिखा देता हूं आपको, ट्री इमेज पीएनजी ये है। ठीक है, तो ये वो इमेज है जिसके ऊपर एक ट्री बना हुआ है, और ये ट्रांसपेरेंट इमेज है इसलिए जो ट्रांसपेरेंट वाला कलर है इसने ब्लैक में दिखा रहा है, और उसके ऊपर एक आउल यानी उल्लू बैठा हुआ है। अगर मैं इसी फाइल को ब्राउजर में खोलूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये जो पीछे वाला कलर है ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स यूज करता है। पुरानी वाली एग्जांपल्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल को मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जेंड इंडेक्स में इसमें किया गया है। अब देखो, एक हेडिंग लिखी हुई अल्फा पिलर प्रोफेशनल 2.0, उसके बाद इमेज लगाया हुआ है, इमेज के ऊपर जो है ना इसकी पोजीशन ने बता दी है 00। तो 00 जो है वो बिल्कुल टॉप लेफ्ट से शुरू होगा। ठीक है, स्क्रीन के मतलब बिल्कुल कॉर्नर से शुरू कर देगा इसको। और जेड इंडेक्स इसने -1 किया है, इसका मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसके पीछे ही इमेज चला जाएगा। ठीक है, और हम चेक करते हैं, एक तो हमने हेडिंग डाल दी है, इमेज दी है, इमेज के बाद फिर पैराग्राफ ये तो लिखे, राइट। तो ये Z इंडेक्स की एग्जांपल खोल देते हूँ। ओके, तो अब आप देखेंगे इमेज जो है उन सबके पीछे चला गया है। उसकी वजह ये है कि इसका Z इंडेक्स मैंने -1 किया हुआ है। अगर इसका Z इंडेक्स +1 कर देंगे आप तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट इमेज है तो इसलिए ये पीछे तो चला गया है। अगर ऊपर आ जाएगा तो वो जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है इसका पीछे जो रेक्टेंगल बना हुआ वो नहीं आएगा, खाली इमेज आ जाएगा। तो इसको सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि और ये समझ में आ जाए। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल को अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे जेड इंडेक्स एग्जांपल है और काफी सारे बॉक्सेस बने हैं। तो आप देखें कि ब्लैक बॉक्स जो है वो सबसे पीछे गया हुआ है, एंड देन ग्रीन बॉक्स है, उसके बाद फिर ग्रे बॉक्स हमें नजर आता है क्योंकि जेड इंडेक्स का 3 है। तो 1 इंडेक्स पे जो होगा वो पीछे होगा, उसके बाद 2 इंडेक्स पे ऊपर आ जाएगा, 3 इंडेक्स पे और भी ऊपर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जेड इंडेक्स यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो आप देखें कि ब्लैक बॉक्स में इसने रिलेटिव कर दिया है पोजीशन, कंटेनर की पोजीशन भी रिलेटिव की है। ग्रे बॉक्स में इसने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया है,
और यहाँ पे जेड इंडेक्स 3 डाला है, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स का जेड इंडेक्स 1 है, और ये इसकी डायमेंशंस बताई नहीं है हाइट की। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इसकी डायमेंशंस बताई नहीं है हाइट की, लेफ्ट टॉप, और ग्रीन बॉक्स की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे बताई नहीं है, और जेड इंडेक्स इसका 2 है। तो इसके अंदर एक डिव बनाई है जिसका जो मेन कंटेनर है उसको कंटेनर का नाम दे दिया, और नीचे वाली जो डिव्स हैं उसमें ब्लैक बॉक्स की क्लास लगी हुई है, ग्रे बॉक्स की लगी हुई है और ग्रीन बॉक्स की लगी हुई है। तो ये तीन, एक डिव के अंदर तीन डिव्स इनक्लोज्ड हैं और उसके अंदर उनकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशन भी बताएंगे। तो इसका इफेक्ट आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बताने का मतलब ये कि रेड इंडेक्स माइनस वन जो है और पीछे हो जाएगा, वो वन के भी पीछे चला जाएगा, ठीक है, और रेड इंडेक्स प्लस में आप करते हैं तो वो ऊपर आती जाएगी चीज़ें। एक और एग्जांपल रेड इंडेक्स की आपको दिखाता हूँ। अब ये वही एग्जांपल है, इसमें थोड़ी बहुत मैंने चेंजेस किए हैं, तो लेट्स चेक चेंजेस क्या है। अब देखें ग्रीन बॉक्स इसमें ऊपर आ गया है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स इसमें इसलिए ऊपर आ गया है क्योंकि अगर आप ग्रीन बॉक्स का जेड इंडेक्स देखेंगे यहाँ पे, तो ग्रीन बॉक्स का जो लेफ्ट राइट टॉप, हाँ यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं, हाँ यहाँ पे जेड इंडेक्स जो है सारे हटा दिए, और उसकी वजह ये है कि अगर दो बॉक्स को आप एक साथ दो एलिमेंट्स को पोजीशन करेंगे जो कि एक ही जेड इंडेक्स पे होंगे, एक ही लेवल पे होंगे, तो इस वक्त क्योंकि जेड इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये सब के सब एक ही जेड इंडेक्स पे हैं, तो दो पोजिशन एलिमेंट जो हैं वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ एक ही जेड इंडेक्स पे होने की वजह से, ठीक है। तो एलिमेंट डिफाइंड इन द लास्ट एचटीएमएल विल बी शोन ऑन टॉप, तो ये अब लास्ट वाला जो है ना ये टॉप पे आएगा। तो अब क्योंकि ये एक ही जेड इंडेक्स शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स आपने लगाया है, कंटेनर की क्लास लगी हुई है, और यहाँ पे सारी की सारी कंटेनर को मैंने रिलेटिव पोजीशन बनाया, उसके बाद इसके अंदर एब्सोल्यूट पोजीशन थी, ठीक है, इन तीनों की। तो ये कोऑर्डिनेट्स बताए मैं इन सबके, बॉर्डर बताया हुआ है, ठीक है। तो एनी हाउ कंटेनर का ब्लैक बॉक्स का इसने बॉर्डर बता दिया है, इसके बाद ग्रे बॉक्स है, आप देखेंगे पहले ब्लैक बॉक्स है, फिर ग्रे बॉक्स है और फिर ग्रीन बॉक्स है, तो इसी तरह से इसने इसको लेआउट किया होगा। आप देखेंगे कि पहले ब्लैक बॉक्स है, फिर ग्रे बॉक्स है, और उसके ऑन टॉप ऑफ बोथ ऑफ द बॉक्सेस ये ग्रीन बॉक्स है, ठीक है। तो जेड इंडेक्स को यूज़ किए बगैर आप अगर ऊपर से नीचे चलेंगे तो वो इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप जेड इंडेक्स से ही ओवरलैप करें, तो जेड इंडेक्स जो है वो आपको डिफरेंट किस्म के लेयर्स का कॉन्सेप्ट देता है, और अगर जेड इंडेक्स नहीं यूज़ करना है तो आपको फिर जो भी पहले आएगा वो पीछे चला जाएगा और ऑन टॉप ऑफ दैट उसको रेंडर करेगा, राइट। तो ये सीक्वेंस रहेगी रेंडरिंग की। अच्छा, अब CSS लेआउट एंड ओवरफ्लो को देख लेते हैं, और पुरानी वाली एग्जांपल्स लेट मी क्लोज दैट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप पुरानी वाली एग्जांपल्स को मैं बंद कर देता हूँ। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ओवरफ्लो जो है वो विजिबल है, तो बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो यहाँ तक था, इसके बॉक्स के बाहर उसको कट जाना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ CSS में स्पेसिफाई किया है कि जेड इंडेक्स जो है वो विजिबल रहेगा ओवरफ्लो उसका, अगर टेक्स्ट ओवरफ्लो होता है तो वो विजिबल रहेगा, मैंने यहाँ पे डिस्क के ऊपर ओवरफ्लो विजिबल कर दिया है। तो डिस्क के अंदर अगर टेक्स्ट कोई है ऐसा जिसकी हाइट विट मैंने बता दी यहाँ पे 200 पिक्सल और हाइट जो है 65 पिक्सल तक है, राइट। तो ये मेरी डिव है, इसका टेक्स्ट ओवरफ्लो होता है और वो अगर मैं विजिबल की प्रॉपर्टी यहाँ से हटा दूंगा तो वो ओवरफ्लो नहीं होने देगा बल्कि वो काट देगा टेक्स्ट को। तो ओवरफ्लो विजिबल से ये फायदा होता है कि आप जो है वो नीचे ओवरफ्लो कर जाता है वो, ठीक है, तो जितना भी ओवरफ्लो होता है वो विजिबल करा देता है, अदरवाइज ये क्या करेगा, अगर आप हटा देंगे तो खाली जो ऑरेंज एरिया है वो दिखाएगा आपको।
इसको फर्दर और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया है तो अब क्या होगा, राइट? तो इस केस के अंदर अब आप देखेंगे ओवरफ्लो हाइड हो गया, ठीक है, ओवरफ्लो आपको नजर नहीं आ रहा है। सिमिलरली अब इसको देख लेते हैं, अब मैंने ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दिया है, ठीक है, तो अब आप देखेंगे ओवरफ्लो स्क्रॉल के अंदर ये स्क्रॉल बार इसने दे दिया है, ठीक है, तो ओवरफ्लो स्क्रॉल में स्क्रॉल करेगा और ओवरफ्लो हिडन में इसको हाइड कर देगा जो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, और अगर आप ओवरफ्लो लिखेंगे तो वो हाइड नहीं करेगा बल्कि नीचे तक ले जाएगा, दिखाएगा कि कितना ओवरफ्लो है, ठीक है। तो ये फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप यहाँ देखें ओवरफ्लो ऑटो कर दिया है, ऑटो का मतलब है कि अगर टेक्स्ट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली तो वो खुद ही जो है ना इसको ओवरफ्लो को विजिबल करेगा या स्क्रॉल बार उसके अंदर लगा देगा। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट बढ़ा हुआ है इसका, इसलिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार लगा रहा है, और अगर ये टेक्स्ट इसके विद इन दिस डिव ही रहेगा, इसकी डायमेंशन के अंदर पूरा फिट बैठ रहा होगा, तो ये फिर स्क्रॉल बार नहीं लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अज्यूम करोगे तुम्हारे पास जेसन से डेटा आ रहा है सर्वर से, यू डोंट नो कि कितना डेटा होगा, तो बेहतर है कि आप ओवरफ्लो ऑटो लगा लें, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, पुरानी एग्जांपल्स को, लेट मी क्लोज दिस एग्जांपल। अब आप ये देखें, अब आपको एक डिफ को दूसरी डिफ के बराबर में आपने फ्लोट करवाया है, ठीक है, फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये इस तरह से हुआ है, हम देख लेते हैं कि वरना डिफ जो है वो ऊपर ऊपर से नीचे ही स्टैकअप होती है, तो इसमें आपने इसको कैसे किया है ये हम देख लेते हैं। तो अब आप ये देखें कि डिफ वन, डिफ टू, डिफ थ्री, तीन क्लासेज हैं, उनका बैकग्राउंड कलर रेड, येलो और ग्रीन सिंपली आपने ये दे दिया है। अब डिव के ऊपर जो प्रॉपर्टी लगाई है वो है फ्लोट लेफ्ट, और पैडिंग 15 दे दी है, पिक्सल की पैडिंग है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये तीन क्लासेस लगी हुई डिव वन, डिव टू, डिव थ्री, और इसके अंदर डिव वन टू थ्री को ये, लेकिन ऊपर नीचे स्टैक होके आना चाहिए था, ये ऊपर नीचे नहीं आ रही है, ये क्यों आ रही है इस तरह से, क्योंकि आपने फ्लोट लेफ्ट कर दिया है, तो राइट, तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे आ गया है। इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि इमेज को फ्लोट लेफ्ट कराया है, ठीक है, और इमेज कहाँ लगी हुई है, इमेज ही लगी हुई है पाइनएप्पल की, उसके ऊपर एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर एक हेडिंग है, उसके बाद फिर इमेज लगी हुई है, इमेज के बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे ये पैराग्राफ है जिसके अंदर इमेज भी लगी हुई है और उसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ये सैंपल टेक्स्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इस पानी सैंपल को बंद कर दो। पुरानी एग्जाम्पल को क्लोज है, अब आप ये देखें कि ये एक हेडिंग है, उसके बाद ये पैराग्राफ था, उसके बाद एक पैराग्राफ था इसमें इमेज लगाई थी और इमेज के बाद टेक्स्ट भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे ये फ्लोट करके ये लेफ्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमेज है और इमेज के ऊपर फ्लोट लेफ्ट लगाया हुआ है। तो अगर ये किसी पैराग्राफ के अंदर इमेज टेक्स्ट के साथ डाली हुई होगी तो इसको फ्लोट लेफ्ट करवा दिया है, इसी तरह आपकी मर्जी इसको फ्लोट राइट कराएं, लेफ्ट कराएं या सेंटर कराएं, तो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो फ्लोट राइट पे क्या होगा ये दिखा देता हूँ आपको, ये तो इसके अंदर फ्लोट राइट कर दिया है इमेज को, तो आप देखें कि यहाँ इमेज जो है वो राइट पे आ गई है, ठीक है, टेक्स्ट के राइट पे। सिमिलरली अगर मैं नो फ्लोट करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, फ्लोट नन कर दिया मैंने, तो अब क्या इफेक्ट होना चाहिए इसका, पैराग्राफ के साथ इमेज भी लगी हुई है, उसके साथ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है,
के मैंने उसको इमेज को कहा कि फ्लोट नहीं करो। तो अब आप देखें इसने इमेज को फ्लोट नहीं किया है, इसने पैराग्राफ के अंदर पहले इमेज लगाई है, इमेज जहाँ पे ख़त्म हुई है उसके बाद टेक्स्ट शुरू कर दिया, ठीक है, कोई फ्लोटिंग नहीं हुई है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या किस तरीके से डिस्प्ले करना चाह रहे हो। तो ये CSS की जो फ्लोटिंग की कैपेबिलिटी थी वो यहाँ पे बता दी है मैंने। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल देख सकता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप देखें कि यहाँ पे div के साथ div2 जो है वो इसके साथ ही नजर आ रही है आपको। जब आपने क्लियर अप्लाई कर दिया है तो क्या हुआ है कि div के जब div3 खत्म हुई उसके नीचे से div4 स्टार्ट हुई, तो div1 div2 जो है आमने सामने आ गई क्योंकि इसमें क्लियर नहीं किया हुआ था इसको। तो यहाँ पे क्या है कि div1 फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, तो आप देखें कि ये लेफ्ट भी फ्लोट हुई है, और उसके साथ साथ अब आप देखें div2 के साथ कुछ नहीं लगाया है, div3 को फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, इसको भी इसको क्लियर लेफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो div4 को जब मैंने क्लियर लेफ्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि इसने div4 को पहले लेफ्ट साइड इसकी क्लियर करके इसको लेके गया है, div3 के नीचे लाएगा इसको। ठीक है, तो फ्लोट क्लियर से ही मतलब होता है कि आप जो है वो प्रीवियस अगर पहले कोई div है पहले से तो उसके नीचे इसको लेके आओ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे div2 के अंदर div1 तो फ्लोट लेफ्ट है, उसके बाद फिर div2 को इमीडिएटली इसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे HTML लिखी हुई है इसकी, विदाउट क्लियर हमने div1 div2 को यूज किया है, और विद क्लियर आपने div3 और div4 में आपने एक्चुअली क्लियर करवाया था। ठीक है, तो div4 जो है वो मूव डाउन हो गई। अच्छा, तो अब इन एग्जांपल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बॉर्डर रेडियस पे आ जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का कॉन्सेप्ट दिखाया है कि डिफरेंट क्लासेस हैं, आर कॉर्नर्स 1, 2, 3, तो तीन कॉर्नर की क्लासेस दी हुई है। एक में बॉर्डर रेडियस 25 है, बल्कि सब में ही 25 डाला हुआ है, और सबका बॉर्डर रेडियस जो है वो 25 डाला हुआ है। बैकग्राउंड कलर सबका अलग अलग है, नहीं इसका भी सेम, इन दो का सेम है और बैकग्राउंड कलर, राइट, एंड बैकग्राउंड कलर इसका जो है इसके अंदर URL दे दिया है इमेज का। ठीक है, तो दो के अंदर कलर दिए हुए हैं और इसके अंदर एक इमेज बैकग्राउंड दिया हुआ है paper.js। तो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर जो इफेक्ट है वो क्या नजर आएगा। हेडिंग डाली हुई है, ये फिर पैराग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, राउंडेड कॉर्नर्स, तो पैराग्राफ को राउंडेड कॉर्नर्स बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से इसका इफेक्ट आपको नजर आ रहा है ये हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि पहला वाला जो है ग्रीन कलर का है और उसके अंदर जो है वो राउंडेड कॉर्नर दिए हुए हैं, एंड अगेन इसका बॉर्डर ग्रीन है सेकंड वाले का, इसमें भी राउंडेड कॉर्नर और 25 पिक्सल का ये बॉक्स नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इमेज नजर नहीं आ रही, उसकी वजह यह कि यहाँ पे इमेज है नहीं। इमेज का नाम है लेट्स से paper.js है, राइट, तो इमेज मेरे पास नहीं है, पाइनएप्पल की इमेज है मेरे पास, तो मैं इसको पहले चेक कर लूँ ये देखने में कैसा लगता है, उसके बाद फिर मैं आपको इसका इमेज का इफेक्ट लगा के दिखाऊँ। ये पाइनएप्पल की इमेज है, तो इस ठीक है, सही है, इमेज ये सही लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको कॉपी किया और पेपर की जगह मैंने इसको पाइनएप्पल कर दिया है। लेट्स सी कि क्या रहता है अभी यहाँ पे। तो आप देखो कि पीछे बैकग्राउंड कलर की जगह इसने इमेज को प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो CSS की पावर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सही प्रेजेंटेशन अगर आपको करनी है और सही पावर आपको कैपेबिलिटी CSS के अंदर ही, इतनी ज़्यादा फिल्टर, इतने ज़्यादा लेआउट के इफेक्ट, इतने ज़्यादा आपको पावर CSS में ही मिलती है, तो इसीलिए इसको आप CSS में ले गए हैं। ठीक है, HTML के थ्रू अब बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटी रह गई है चीज़ों को प्रेजेंट करने की। तो यहाँ पे कर दिया है,
अब आप यहाँ पे देखें बैकग्राउंड रिपीट रिपीट लिखा हुआ है, तो इसमें इसका मतलब ये होगा अगर इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा ना तो ये रिपीट करना शुरू कर देगा इसको, ठीक है, इमेज को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो एनी हाउ बॉर्डर रेडियस की अभी पहली एग्जाम्पल देखी थी, लेट्स गो मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज की होंगी ऑब्वियसली, बॉर्डर रेडियस सेकेंड को देख लेता हूँ। अब आप ये देखें कि यहाँ पे अलग अलग कॉर्नर के अलग अलग बॉर्डर आपको दिखाएंगे, राइट। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ देखो 15 पिक्सल, 50 पिक्सल, 30 पिक्सल इस तरह से दिया हुआ। तो ये रहा 15 पिक्सल पहला वाला, फिर 50 पिक्सल आ गया, ठीक है, एंड देन द 30 पिक्सल, ये बॉर्डर रेडियस है, एंड देन द 5 पिक्सल। तो ये यहाँ से शुरू होगा टॉप राइट से, फिर टॉप लेफ्ट पे जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बॉर्डर रेडियस में सिर्फ 3 की वैल्यू स्पेसिफाई करूँगा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा जैसे मैंने 15 पिक्सल लिखा तो स्टार्ट तो यहीं से करेगा और ये 50 पिक्सल्स को डुप्लीकेट करेगा, मतलब 50 पिक्सल जो है वो इसको करेगा टॉप क्या कहते हैं टॉप राइट को और बॉटम लेफ्ट को, ये 50 पिक्सल्स आपको नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद 30 पिक्सल जो है वो बॉटम राइट को कर रहा है, ठीक है, 30 पिक्सल ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं दो कोऑर्डिनेट्स में दूंगा तो क्या करेगा कि टॉप लेफ्ट को और बॉटम राइट को पहला वाला पिक्सल अप्लाई कर देगा और टॉप राइट को और बॉटम लेफ्ट को सेकंड वाला पिक्सल अप्लाई कर देगा, ठीक है। और अगर मैं एक ही पिक्सल दूंगा तो सब चारों कॉर्नर्स पे एक ही पिक्सल अप्लाई करेगा, ठीक है। तो कोड देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये इसका कोड है, तो ये उसी हिसाब से चल रहा है जैसे कि आपको अभी दिखाया, ठीक है। तो समझाने के लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल, 3rd एग्जांपल पे चलते हैं। तो 3rd एग्जांपल को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बड़ा एलिप्टिकल टाइप ऑफ बॉर्डर यहाँ पे नजर आ रहा है। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस इसने देखो किस तरह से दिया है, 50 पिक्सल स्लैश 15 पिक्सल, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि 15 पिक्सल से स्टार्ट किया लेकिन ऊपर वाला जो कॉर्नर था उसको इसने 50 पिक्सल का कर दिया। आप देखो थोड़ा सा कर रही है और फिर नीचे जो 15 पिक्सल से आकर भी जाता है। तो ये इस तरह का एलिप्टिकल कोई बॉर्डर अगर आपको बनाना है तो आप इसके अंदर देखो, इलिप्स के अंदर ना एक सर्कल तो नहीं होता, ये इसके अंदर एक डिस्टॉर्टेड सर्कल होता है जिसके अंदर ए और बी दो वैल्यूज दी हुई होती है। तो ये वो ए और बी वैल्यूज हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपने सर्कल को डिस्ट्रीब्यूट कैसा करना है। तो इसने 50/15 पिक्सल पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसलिए इसमें 15 का रेशो कम है यहाँ पे, आप देखें उसके बाद 50 पिक्सल पे इसको रखा हुआ है। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो आप देखेंगे डिस्टॉर्ट इसने कम किया है, इसने 15 पिक्सल के अंदर अंदर ही कर्व को रखा है उसके बाद फिर इसको लेके गया, ठीक है। तो लेकिन ये भी इलिप्टिकल ही कहलाएगा क्योंकि एग्जैक्ट कर्व नहीं है। और अगर 50% कर देंगे इसको बॉर्डर रेडियस को तो इसका मतलब है कि ये सबको राउंड बिल्कुल सर्कल करके दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इलिप्स का बॉर्डर अगर आप इलिप्टिकल बॉर्डर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये रेशोज में होता है काम, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 50% और सम रेशो डिवाइड बाय सम रेशो, ए और बी इलिप्स के अंदर जो ए और बी फैक्टर होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये मैथमेटिकल चीज है। तो बॉर्डर रेडियस की फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखी यहाँ पे। अब 2D की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है, ठीक है। तो इस पुरानी एग्जांपल्स को लेट मी जस्ट क्लोज देम ऑल, ठीक है, और इसको भी ब्राउजर में खोल दूँ और उसके बाद फिर मैं पुरानी एग्जांपल्स को भी क्लोज कर देता हूँ ताकि वी कुड गो एंड कंसंट्रेट ऑन आवर रोटेट मेथड। अब आप ये देखो कि यहाँ पे ये डिव है और ये डिव है, इसको रोटेट किया गया, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट है, बड़ा देखने में बड़ा कूल लग रहा है। तो ये बड़ा आसानी से किया गया है। तो आप ये देखें कि ये एक डिव है, डिव की आईडी माय आईडी दे दी है, इसको 20 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है,
तो ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट लिख दिया आपने 20 डिग्री दे दिया, तो डिस्क के ऊपर ये आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है, तो सिंपली 20 डिग्री कर दिया। अब इसमें आप डिग्रीज बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं तो उसी के हिसाब से ही, अगर 0 डिग्री कर दोगे तो सीधा हो जाएगा। तो अब इसमें माइनस 20 डिग्री दे दिया है तो ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है, ये देखो काउंटर क्लॉकवाइज माइनस 20 डिग्री दे दिया है, तो ये वाली डिस्क को इसने घुमा दिया, राइट, ये देखो माइनस 20 डिग्री कर दिया इसको। तो ये भी बड़ा जबरदस्त और सूदिंग इफेक्ट है। और एक और इसकी एग्जांपल आपको दिखा दूं मैं। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म स्केल 2.3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, देखो इसने डिस्क को 2/3 स्केल पे खींच दिया है, तो ये अब ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, थोड़ा सा खिंचा हुआ लग रहा है मुझे, ठीक है, तो ये रेशियो इसकी चेंज हुई है, इस वजह से इसको स्केल कर दिया है, डिस्क को इसने इस एस्पेक्ट रेशियो के अंदर जो है ना ट्रांसफॉर्म किया है, स्केल किया है 2/3, ठीक है। तो ये स्केल जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा आपके एलिमेंट के साइज को अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू वॉन्ट, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया है कि इसमें जो विड्थ है उसकी वो ट्वाइस बढ़ा दी है, दो दफा बढ़ा दी है, और जो हाइट है उसकी वो 3 times इसने ओरिजिनल हाइट से बढ़ा दी है, इसने ये काम किया है, ठीक है। तो ओरिजिनल जो हाइट थी इसकी वो कम थी और इसने इसको 3 times बढ़ा दिया है, और उसको और टेक्स्ट जो उसके अंदर लिखा हुआ था उसको भी इसने, आप देखेंगे थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा लग रहा है और विड्थ में थोड़ा सा कम है, क्योंकि एक फैक्टर इसका विड्थ में कम है। अगर मैं दोनों को एग्जैक्ट 3/3 कर दूंगा तो फिर ये प्रॉपरली उसी एस्पेक्ट ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो से इसको बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्दर और भी आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 4, ठीक है। अब 4 में मैं इसको चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल 2/3 नहीं बल्कि 2/5 कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको देखूँगा तो ये और ज़्यादा डिस्टॉर्टेड नज़र आएगा, ठीक है। तो देखो 2/5 में ये और हाइट में और बढ़ गया है, ये हाइट में कम था, इसने 2 times फैक्टर और हाइट इसकी बढ़ा दी है इसकी, लेकिन उसके साथ साथ टेक्स्ट को भी ये खींच रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि तुम करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो तुम्हें पावर CSS में दी हुई है ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो ये मैं जस्ट आपको लिमिटेड चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अंदर अनलिमिटेड कैपेबिलिटी है, और इतना ज़्यादा फिल्टरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन इतनी क्विकली आप किसी भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर से भी नहीं कर सकते जितना आप ज़बरदस्त तरीके से CSS से कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू CSS एनिमेशन। तो एनिमेशन के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। लेट मी क्लोज द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो CSS एनिमेशन 1 को आप देखें, ये देखो कैसी एनिमेशन हो रही है, राइट, रेड कलर है उससे इसको एनिमेट किया है, येलो पे लेके गया था। तो ये पुरानी एग्जाम्पल्स को मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे रेड से फिर येलो ले गया, इसको अगेन से रेड पे ले आएगा, ठीक है। ये कैसे कर रहा है, तो आप ये देखें बैकग्राउंड कलर इस डिस्क का रेड था और इसने की फ्रेम्स अप्लाई किए यहाँ पे, एट द रेट की फ्रेम्स, ठीक है। और उसमें यहाँ पे आपने सिलेक्टर दे दिया है कि जी एग्जांपल को आपने करना है, और फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड से येलो पे लेके जाना है इसको, ठीक है। तो ये काम किया है इसने। तो अब आप ये देखें कि ये डिव है CSS एनिमेशन के, इसके ऊपर इसने इसको अप्लाई किया है, और डिव के ऊपर जो ओरिजिनल इसकी चीज़ें थी ये थी एनिमेशन, एनिमेशन नेम इसने एग्जांपल रखा हुआ है, और इस एग्जांपल के ऊपर इसने की फ्रेम्स लगाए हैं, और की फ्रेम्स अभी इसने स्पेसिफिकली नहीं लगाया, हम की फ्रेम्स को आगे और डिटेल में देखेंगे कितना ज़बरदस्त काम आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है की फ्रेम लगाने की, फ्रॉम और टू ट्रांसफॉर्मेशन दी, तो फ्रॉम रेड टू येलो आप करेंगे,
ठीक है, और ड्यूरेशन याद दीजिए 4 सेकेंड्स। तो तुम ये देखो कि 4 सेकेंड्स के अंदर अंदर जो है वो रेड से येलो में लेके जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की आप एनिमेशन इसमें लगा सकते हैं। और दिखाता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल आपको। तो सेकेंड एग्जाम्पल में तुम ये यहाँ पे देखो डिफरेंट कलर्स में लेके जा रहा है, ठीक है, रेड से येलो गया, ब्लू गया, फिर ग्रीन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो आप ये देखो कि 0% पे, अब इसने की फ्रेम्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, की फ्रेम्स को इसने 0% पे रेड रखा हुआ है, फिर येलो आ गया, फिर ब्लू आ गया, फिर ग्रीन आ गया। तो ये इसका, और ये सारी की सारी इसने 4 सेकंड में कराई, ठीक है। ये सारी 4 सेकंड में हो रही है। इसको फर्दर और चेंज करते हैं इस एग्जांपल को। अब आप ये देखें कि यहाँ पे इसने बैकग्राउंड कलर लेफ्ट और यहाँ पे लेफ्ट 0 पिक्सल, टॉप पे 0 पिक्सल किया हुआ है, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। ये पोजीशन भी चेंज कर रहा है कलर के साथ साथ, अब ये इसकी पोजीशन भी चेंज कर देता है और उसको एनिमेट करके दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो रेड है, रेड से फिर ये येलो पे आता है, फिर ब्लू पे आता है, एंड देन ग्रीन पे, और वापस अपनी जगह चला जाता है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, और दोबारा से रेड पे आ जाएगा, 0-0 पे दोबारा चला जाएगा 100% पे। तो इसको एक्चुअली यहाँ पे लोकेशन भी बता दी हैं कि एक्चुअली लेफ्ट टॉप लेफ्ट को आप कर दें, ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये, और इसी तरह से लेफ्ट को और टॉप को 200-200 कर दिया इसने, तो ये आगे डिस्प्लेस हो जाता है एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे। और यहाँ पे इसका अगेन ट्रांसफॉर्मेशन पीछे आता जा रहा है, 0 पे आ गया 0-0, और ये 4 सेकंड के अंदर करा। अगर 10 सेकंड कर दोगे तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड के अंदर करेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं इसकी। अब आप ये देखें कि इसने डिले बढ़ा दिया है इसका, एनिमेशन वही है प्रॉब्लली, इसका डिले जो है आप ये देखें कि एनिमेशन ड्यूरेशन तो 4 सेकंड ही है, एनिमेशन डिले इसके अंदर ऐड कर दिया। पिछले वाले में एनिमेशन डिले नहीं था, तुम देखें यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की है, दैट इज नोन एज एनिमेशन डिले। तो बेसिकली इसने क्या किया है कि यहाँ पे फर्दर 2 सेकंड्स का हर की फ्रेम के अंदर 2 सेकंड्स का डिले डाला है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है इसके अंदर, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर की फ्रेम के बाद 2 सेकंड पे ये रुक जाता है, फिर करता है, तो इसलिए डिले ऐड हुआ है। तो पिछले वाले में तुम देखोगे कि यहाँ पे डिले नहीं, क्विकली 4 सेकंड के अंदर तो वापस ले आता है, और इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा 2 सेकंड का डिले है, ठीक है। तो स्टार्ट होने में 2 सेकंड का डिले लगा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एनिमेशन डिले डाला है ना, ये देखो 2 सेकंड तक रुकने के बाद फिर ये इसको छोड़ता है और स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है कि यहाँ पहले रुक जाता है, हर फ्रेम के बाद इसने 2 सेकंड ऐड नहीं किया, इसने एनिमेशन डिले लगाया है। तो इसने स्टार्ट करने से पहले 2 सेकंड ऐड कर दिया था, उसके बाद फिर एनिमेशन वैसी चली है जैसे कि इस वाले में चल रही थी, ठीक है। तो ये हुआ इसके अंदर। और हम आपको आगे बताते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में किस तरह से बताया है। तो अब इसने देखो एनिमेशन डिले -2 सेकंड लगा दिया है, एग्जाम्पल वही है। इसका इफेक्ट क्या होगा ये मैं तुम्हें दिखा दूँ, देख लेते हैं इसका इफेक्ट। देखो इसे -2 सेकंड लगाया है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, रिफ्रेश करो, ठीक है। तो ये पीछे जाके शुरू हुआ है, तो -2 सेकंड का मतलब है कि इसने पीछे चला गया है। और तुम अगर देखोगे तो ये स्टार्ट होता है ब्लू से, वो फिर वापस आता है, ठीक है। तो इस ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तो टू, तो ये -1 पे तो इधर चला गया, -2 पे इधर चला गया, तो यहाँ से इसने एनिमेशन को स्टार्ट किया अपना और इधर तक आया है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, और फिर एनिमेशन डिले 4 सेकंड लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली आपने इसको कहा तो है कि भाई एनिमेशन को करो, लेकिन इसने इसको रिवर्स से स्टार्ट किया है, इसलिए ये
आधी एनिमेशन आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आइट्रेशन काउंट 3 लगा दिया। आइट्रेशन काउंट 3 का मतलब है कि 3 दफा इसको एनिमेट करेगा इस पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो ये पहला आइट्रेशन हो गया, ये दूसरा आइट्रेशन हो गया, राइट, और ये तीसरा आइट्रेशन दिखा रहा है इसको। तो आइट्रेशन काउंट ये काम करेगा। अब अगर मैं आइट्रेशन काउंट इनफाइनाइट कर दूंगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये इनफाइनाइटली इसको आइट्रेशन करता ही चला जाएगा, करता रहेगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आइट्रेशन काउंट इनफाइनाइट लगा हुआ है, ये करता जा रहा है इसको, ठीक है। अब रुकेगा क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी लगा दिया आपने। ये हो गई आपकी एनिमेशन। इसके अलावा भी और बहुत सारे इफेक्ट हैं, सब कुछ कवर नहीं मैं करवा सकता हूँ, जस्ट आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद आप ये देखो कि मीडिया क्वेरीज है, CSS की मीडिया क्वेरीज, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एनिमेशन को बंद कर दें, ठीक है, एनिमेशन को मैंने क्लोज कर दिया है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दैट इज मीडिया क्वेरी, तो मीडिया क्वेरी के पोर्ट को खोल देता हूँ मैं। अच्छा, अब तुम ये देखो कि यहाँ पे मैंने मीडिया क्वेरीज को किस तरह से अप्लाई किया है। बहुत सिंपल है तरीका। तो मैंने यहाँ पे किया है कंटेंट विथ डिवाइस, विथ डिवाइस विथ मैंने कर दिया कि जो भी डिवाइस की विथ हो उसकी विथ से ये चलेगा। कॉन्टेंट को मैंने कर दिया, इनिशियल स्केल मैंने दे दिया है 1.0, तो इनिशियल जो भी स्केल होगा उसके हिसाब से एक ही स्केल से इसको रखना है, स्केल इसका बढ़ाना नहीं। बॉडी का मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन कर दिया इनिशियल। अब मैंने मीडिया क्वेरीज यहाँ पे लगाई हैं, आप ये देखें @ मीडिया। अब मीडिया का साइज मैंने बताया कि अगर 600 पिक्सल होगा तो ये क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन से लाइट ब्लू में चेंज हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल। इसको मीडिया क्वेरी कहते हैं। तो मीडिया क्वेरी ओनली स्क्रीन मैंने लिख दिया यहाँ पे, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करवाया मीडिया क्वेरी से। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है मीडिया क्वेरी की, इससे ज़्यादा सिंपल एग्जांपल तुम्हें मिल नहीं सकती। अब तुम यहाँ पे ये देखो कि ये लाइट ग्रीन कलर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रीसाइज करता हूँ ये 600 पिक्सल का जैसे ही होता है तो ये लाइट ब्लू कर देता है, और जैसे ही 600 से बढ़ता है, जैसे बढ़ गया तो ये लाइट ग्रीन पे चला जाएगा, देख रहे हो तुम, ये कम हो गया तो ये लाइट ब्लू हो गया। तो मैक्सिमाइज करोगे अगेन लाइट ग्रीन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और लाइट वेट एग्जांपल है मीडिया क्वेरी समझने के लिए। अब तुम आ जाओ यहाँ पे मीडिया क्वेरी 2 पे। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक हेडर बनाया है, मैंने चाइना लिख दिया। यहाँ पे फुटर है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे नेविगेशन मेन्यू वगैरह बना दिए हैं, यहाँ पे नैव का बना दिया है आपका, यहाँ पे आपका मेन कंटेंट आ गया है, ठीक है, आर्टिकल जिसको कह रहे हैं आप, ठीक है, वो आ गया। तो मैंने क्या किया है कि पहले CSS को आप छोड़ दें, पहले आप उसको देख लेंगे, मैंने ये सब डिव में इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो मैंने HTML के सिमेंटिक एलिमेंट यूज नहीं किए, यहाँ पे मैंने डिव लगाई है, राइट। तो सबसे पहले मैंने जो किया है काम वो ये किया है कि आप यहाँ पे देखें, मैंने हर कॉलम में, मैंने पूरे पेज को डिवाइड कर दिया है 12 कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 100% 12 कॉलम की विड्थ जो है वो 100% है, 91.66 11% इसकी 11 कॉलम की विड्थ है। तो पूरे पेज को मैंने 12 कॉलम पे डिवाइड किया। इसी तरह बूटस्ट्रैप भी यही करता है, तो पूरे पेज को 12 कॉलम पे डिवाइड करके उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्सिवनेस उसके अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे ये काम किया है, इसको मैंने 12 कॉलम पे डिवाइड कर दिया। तो तुम ये देखो कि अगर तुम कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर
ठीक है, तो इससे मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन समझा देता हूँ कि ये आया किस तरह है। तो अगर मैं 100% को, क्योंकि यहाँ पे 100% है, डिवाइडेड बाय 12 कर दूँ तो ये मेरे पास 8.33 आ रहा है। ठीक है, अगर 8.33 को 8.33 प्लस 8.33, दो कॉलम की विड्थ क्या होगी, 16.66, ये देखो तुम्हें नजर आ रही है दो कॉलम की विड्थ। ठीक है, इसी तरह से अगर तीन कॉलम की विड्थ देखनी होगी तो 8.33 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 24.9, तकरीबन 25 हो गया ये। ठीक है, इसी तरह से अगर आप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एट्थ कॉलम की विड्थ मुझे देखनी है, तो आप क्या करेंगे, 8.33 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये तकरीबन 66.66 या 64 आ रहा है। ठीक है, 64 यहाँ पे कम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पूरा फैक्टर लिया वन। अगर मैं 12 को डिवाइड कर दूँ 8 से, सॉरी 100% को डिवाइड कर दूँ 12 से, तो ये 8.33 आता है। इसके बाद अगर मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगा तो ये देखो 6.66 यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है जैसे यहाँ पे आया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कॉलम डिवाइड करनी है। ठीक है, और मैंने क्या किया है कि फॉर एग्जांपल हेडर है, इसकी क्लास हेडर लगी हुई है, उसके बाद मेन्यू है, उसकी क्लास मैंने लगाई हुई कॉलम 3, तो मेन्यू मैंने 3 कॉलम के अंदर दिया, कॉल डैश 3 लिखा हुआ यहाँ पे। तो मेरा जो ये मेन्यू है ये 3 कॉलम के अंदर फिट हो रहा है, तो इसकी अगर विड्थ देखोगे ये 3 कॉलम तक जाता है, हेडर जो है वो पूरा 100% कॉलम तक जा रहा है। इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है मेरा जिसमें मैंने व्हाट वेयर हाउ लिखा हुआ है, ये भी 3 कॉलम के अंदर जा रहा है, जैसा कि आप देखेंगे कि व्हाट वेयर और हाउ जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एसआईट की क्लास दे दी है मैंने, इसको भी 3 कॉलम दिया है। और जो बीच वाला मेरा हिस्सा है जैसे मैंने द सिटी लिखा हुआ है, इसको मैंने 6 कॉलम पे एक्सपेंड किया हुआ है। तो ये बीच वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इसको 6 कॉलम पे एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं अपनी लेआउट सेट कर रहा हूँ यहाँ पे 12 कॉलम के अंदर रहते हुए। और इसी तरह से जो फुटर है इसको मैंने 100% दिया हुआ है। ठीक है, कि ये जो है जैसा है रहेगा वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा जब डिवाइस रीसाइज होगी तो इसको रीसाइज करके देखोगे अगर, तो उसको मैंने छोटा कर लिया, ये देखो यहाँ पे ये अभी छोटा नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे मैंने फॉर मोबाइल फोन कॉलम डैश 100% किया हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम विथ 786 पिक्सल जब तक रहेगा, तो जब तक ये काम हो रहा है इसके। तो अब अगर मैं इसको डिवाइस पे इम्यूलेट करूँगा तो मैं इसको करता हूँ, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्ट किया मैंने, तो मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो ये मुझे सेलफोन में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये देखो कि यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली उसको छोटा कर दिया है, रीस्केल कर दिया है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अभी ये सेलफोन में कैसे नज़र आएगा वो बता रहा है। तो अगर पूरी विड्थ पे मैं इसको देखूँगा, इसको हटा देंगे यहाँ से, तो मुझे वेबसाइट पे इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको बताया है ना, यहाँ पे कर क्या रहा है कि जैसे ही 786 पिक्सल से रेजोल्यूशन बढ़ी होगी तो सारे कॉलम्स को ये क्या करेगा, 786 रेजोल्यूशन इसकी जब होगी तो ये सारे कॉलम्स को 100% कर देगा। ठीक है, इसके हिसाब से नहीं चलेगा। तो अगर तुम मोबाइल फोन पे देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको स्टैक ओवर होती हुई नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये क्वेरी लगी हुई, मीडिया क्वेरी लगी हुई। जब तुम इसको मोबाइल फोन पे देखोगे तो ये स्टैक ओवर होके नजर आएगा। तो इसी तरह से आप जो है वो बूट स्ट्रैप, जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं इसी टाइप की चीजें आपको बता रहा हूँ। इस एग्जांपल को अभी फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ CSS की चीजें बता दी हैं। तो अच्छा, तो अब इसको मीडिया क्वेरीज जब लग जाएंगी तो विद मीडिया क्वेरीज हम इसको देख लेते हैं ये क्या इफेक्ट रहेगा इसका, ताकि तुम लोगों को नजर आए कि
मोबाइल पे कैसे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि मीडिया क्वेरीज को यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, विदाउट मीडिया क्वेरीज। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको विदाउट मीडिया क्वेरी वाली दिखा रहा हूँ, विद मीडिया क्वेरीज जो है वो ये इफेक्ट है, सॉरी। ठीक है, तो अब मीडिया क्वेरीज जब इसमें लगाई हैं हमने, ये मीडिया क्वेरीज की, ठीक है, तो ये वो मीडिया क्वेरी है जो लगाई है एक्चुअली। ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था व्यू, उसमें मैं आपको दूसरी फाइल दिखा रहा था, इसमें नज़र नहीं आ रहा था। तो अब आप ये देखेंगे ये मीडिया क्वेरी लगी हुई है इसके अंदर। ठीक है, और इसका इफेक्ट आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट पे ले जाऊँगा, अब तुम देखो कि यहाँ पे जैसे ही मोबाइल पे नजर आना शुरू होगा तो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो गया। वो इसलिए है क्योंकि इसने सबकी विड्थ जो है, जितने भी कॉलम थे उनकी सबकी विड्थ 100% कर दी है, ताकि तुम्हारे मेन्यूज डिस्टॉर्ट ना हो और चीज़ें तुम्हारी ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसलिए इसने इसको ऐसे दिखा दिया। अगर पुरानी एग्जाम्पल को देखोगे विदाउट मीडिया क्वेरी, तो इसमें आप देखो कि इसमें जब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे और लेके जाओगे मोबाइल व्यू पे, तो ये इसको उसी तरह से दिखा रहा होगा, इसने कोई डिवाइड नहीं किया हुआ इसको। ठीक है, जबकि यहाँ पे इसने मीडिया क्वेरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हर कॉलम को, पूरे पेज को 12 कॉलम पे डिवाइड किया हुआ है, इसलिए इस वक्त ये देख रहा है कि इसकी रेजोल्यूशन 768 पिक्सल से कम है, तो लिहाजा ये इसको स्टैक कर रहा है, सबको 100% बिट कर देता है। जैसे आप इसको जाएंगे, इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे, तो आप इसका इफेक्ट भी देख सकते हैं। इसको बंद करो यहाँ से और इसको यहाँ पे रिसाइज करो। जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ, जैसे ये 768 से कम होगा तो ये इसको 100% कर देता है। ठीक है, जबकि अगर इसमें देखें जहाँ में मीडिया क्वेरी नहीं लगी हुई है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं कर रहा है, विड्थ को 100% नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये फर्क होगा इसका। अच्छा, तो ये है वो मीडिया क्वेरी जो लगी हुई है, जिसकी वजह से सारा काम होगा। मतलब जितने भी कॉलम है उसको 100% पे ले जाओ जब ये से कम होगा। ठीक है, तो ये सिंपल मीडिया क्वेरी किस तरह से लगाते हैं ये आपको बता दिया है। ठीक है, स्केल आपको इनिशियल स्केल 1 पे रखना है, डिवाइस की विड्थ जो है, जो भी डिवाइस होगी उसकी विड्थ होगी, उसके ऊपर इसको स्केल करेगा ये। ठीक है, और नेम मीडिया के, ये मेटा के मेटा टैग के अंदर आपको व्यू पोर्ट नेम लिखना होता है, नेम कंटेंट एंड इनिशियल स्केल बताना होता है कंटेंट के अंदर, नेम कंटेंट विद एंड इनिशियल स्केल आप कंटेंट में बताते हैं, और नेम के अंदर आप व्यू पोर्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है इसका। अच्छा जी, अच्छा ये आपने फिर मैंने आपको मीडिया क्वेरी दिखा दिया। अब मूव ऑन करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है, तो एग्जांपल 1 और मैं आपको दिखा रहा हूँ मीडिया क्वेरी की एग्जांपल के बाद। अब आप ये देखें कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, और यहाँ पे पुरानी एग्जांपल को बंद कर दें। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो ये बॉक्स की एग्जांपल है, बॉक्स शैडो। तुम यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त शेडो का इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इसमें एक बॉक्स है येलो कलर का बना हुआ है, नीचे फिर आपको बॉक्स शेडो भी लगाया है, मल्टीपल बॉक्स शेडो नीचे वाले में लगाए हुए हैं। ठीक है, तो एक येलो है, थोड़ा सा ब्लैकिश का आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, फिर कुछ और आ रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर आप जूम करके देखोगे तो पता चलेगा कि मल्टीपल शेडोज यहाँ पे लगे हैं। और फिर ये एक बटन एंड में होता है, जबकि ओवर होता है तो ये देखो इसका कलर ग्रे हो जाता है, और जब मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसा लगेगा जैसे दब किया है बस, छोड़ दिया मैंने। अब दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो ऐसा लग रहा है दब किया बस। ठीक है, तो ये इफेक्ट कैसे लगाएं CSS के अंदर, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने येलो रखा है, लीनियर ग्रेडियंट मैंने इसको दिया है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको RGB 00 से 00, और फिर आखिर में मैंने इसको जो दिया है ना वो 0.25 दे दिया है अल्फा। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड इमेज का लीनियर ग्रेडियंट मैंने अप्लाई कर दिया है, कलर इसका येलो है, तो तुम इसको देखोगे तो ये लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है।
और ये थोड़ा सा कलर तुम्हें ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा लाइट नजर आएगा, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो तुम्हें कलर जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। थोड़ा सा डार्क हो गया है कलर के अंदर, लीनियर ग्रेडिएंट इस तरह से लगाया है इसके अंदर, तो मैं अगर 0.5 कर दूंगा और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये देखो कि 0.5 में और ज़्यादा डार्क हो गया है, 0.25 में थोड़ा इसको अल्फा चैनल मैंने कम दिया और इसको अनडू कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका फर्क पड़ रहा है कि येलो कलर के ऊपर किस तरह की आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है। और इसी तरह से ये था इसका पहला वाला जो था मैंने लगा दिया है, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर मैंने लगाया था वार्निंग पे, ठीक है, इसके ऊपर पैराग्राफ पे इसको अप्लाई किया गया। अब तुम देखो कि दूसरा वाला कैसे किया है। अब तुम यहाँ पे देखें, आपके यहाँ पे मल्टीपल शेडोज लगे हुए हैं, ठीक है, दूसरे बॉक्स में। तो ये रहा वो मल्टीपल शेडोज, ठीक है। यहाँ पे आपने 0.3% बढ़ा दिया, यहाँ पे 0.5% कर दिया है, तो ये इस तरह से इसमें। ये तो खैर बटन का बताया हुआ है, इसमें आर्टिकल आ गया सिंपल ये रहा। तो मल्टीपल शेडोज को इसने जो है स्ट्रॉन्ग वार्निंग मल्टीपल इसके ऊपर लगाया आर्टिकल पे। तो आर्टिकल पे इसने ये रहा मल्टीपल, ये रहा ब्लैक है पहले, फिर रेड आ गया है बीच में और फिर अगेन ब्लैक आया है। तो ये बॉक्स शेडो इसने इस तरीके से बताया हुआ इसका, ठीक है, ब्लैक एंड देन स्टार्ट हुआ ब्लैक से ब्लैक, फिर रेड से रेड, फिर ब्लैक से ब्लैक। तो ये इस तरीके से इसने आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्प्लेसमेंट और इसका रेडियस बताते चला गया है, ठीक है। तो ये मल्टीपल की क्लास के अंदर लगा हुआ है, ऑब्वियसली मल्टीपल की क्लास जो है वो आप देखो तो ये दरमियान वाले एच पे और इस पे लगी हुई है आर्टिकल पे, तो इसीलिए इसको ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। लास्टली जो बटन है वो बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट इसने दिखाया हुआ है, तो इसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जब वो एक्टिव होगा तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे बॉक्स शैडो के। जब वो फोकस होगा ओवर पे, यानी बटन जब फोकस हो रहा है तो कलर उसका चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसको यहाँ पे बता दिया है किस ग्रेडिएंट पे इसको किस कलर पे चेंज करना है। और नॉर्मल जो बटन है, जब ना वो एक्टिव होगा और ना उसके ऊपर ओवर किया जाएगा तो उसके क्या पैरामीटर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बटन पर चल रहे हैं, तो तुम देख सकते हो। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब ये एनिमेशन की एग्जाम्पल है, तो इसको पहले एनिमेशन चला के देख लेते हैं। देखो ये स्लाइडिंग का इफेक्ट तुम्हें नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको रिफ्रेश करो। ये देखो तो ये स्लाइड होती हुई आपको एनिमेशन नज़र आती है यहाँ पे। तो ये कैसे किया है, ये बड़ा आसान है। की फ्रेम्स में दो दफ़ा इसको डिवाइड कर दिया है, दो की फ्रॉम में इसको रखा है 100%, मार्जिन लेफ्ट जो है वो 100% कर दिया। तो इसलिए जो मार्जिन लेफ्ट है 100% करने की वजह से क्या होगा कि सारा सा सारा टेक्स्ट राइट पे ट्रांसफॉर्म हो गया, और जो एनिमेशन स्टार्ट होती है तो टेक्स्ट राइट से आता हुआ लेफ्ट की तरफ तुम्हें नज़र आता है, ठीक है। ड्यूरेशन इसमें 3 सेकंड दी हुई है, एनिमेशन का नाम स्लाइड इन रख दिया है। तो ये एनिमेशन आपने डिफाइन किया जो कि यहाँ पे आप की फ्रेम के अंदर डिफाइन कर, तो स्लाइड इन का इफेक्ट ये आपने खुद यहाँ पे कस्टमाइज किया है इसको। तो पहले 100 से शुरू होगा, विथ 300 होगी, वापस मार्जिन 0 हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा टेक्स्ट लेफ्ट पे आता हुआ आपको नज़र आएगा, और जो एक्चुअल विड्थ है एलिमेंट की वो दोबारा से 100% पे आ जाएगी, पहले जो 300% था, ठीक है। तो ये इसका इफेक्ट आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, देखें। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर 3 की फ्रेम्स बना देता हूँ, ठीक है, पुरानी एग्जांपल पे तो मैंने 2 बनाए हुए थे, इसमें मैंने 3 बना दी। अब मैंने इसको डिवाइड किया है कि जो इफेक्ट है ये ड्यूरेशन तो इसकी 3 सेकंड ही रहेगी, और लेकिन स्लाइड इन के अंदर पहले क्या होगा 100% होगा, विथ 300 होगी, और जब 75% पे पहुंच पे ये क्या करेगा कि 300 मार्जिन 25 तक रह जाना चाहिए और विथ जो है वो 150 हो जाना चाहिए, ठीक है, विथ जो है वो ओरिजिनल 300 से आधी रह जाएगी। और फिर वापस जो की फ्रेम्स होंगे 75% के बाद जो बाकी 25% फ्रेम बचे होंगे उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, वापस 0 पे लाएगा और फिर 100 पे कर देगा, विथ 100 कर देगा, ठीक है। तो इसको 2D को मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे चल रहा है, ठीक है। ये देखो
तो अभी तीन में मैंने डिवाइड कर दिया है, तो 75% एनिमेशन जब हो जाती है तो काफी खासा बड़ा हो जाता है ये, देखो ठीक है। उसके बाद आप इस पे छोटे पे जा रहे हैं, आप थर्ड एग्जांपल इसकी जब देखोगे तो इसमें डिले काफी ज्यादा नजर आएगा तुम्हें, अच्छा खासा चल तो ये वैसे ही रहा है लेकिन इसके अंदर से डिले काफी ज्यादा कर दिया है, ये ऐसे चल रहा है और ये कंटिन्यूस चले जा रहा है। इसका मतलब इसमें हाइड्रेशन काउंट भी आपने डाल दिया है, हाइड्रेशन काउंट इनफाइनाइट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी एनिमेशन रुकती नहीं है, चलती रहती है मुस्तकिल, ठीक है। तो ये कैसे किया इसको देख लो, तो ये रहा हाइड्रेशन काउंट इनफाइनाइट कर दिया है और बाकी ये पैरामीटर इसके वैसे ही जैसे कि लास्ट एग्जांपल में थे, ठीक है। अगर तुम्हें ब्लिंक का इफेक्ट डालना है, टेक्स्ट ब्लिंक अगर होता हुआ दिखाना है तो ये देखो ये ब्लिंक होता हुआ तुम्हें नजर आ रहा है, ये भी बड़ा इजीली सीएसएस के थ्रू कर दिया है ब्लिंकिंग का टेक्स्ट। तो ये कैसे डाला है देखो, यहाँ पे वेबकिट की फ्रेम्स ब्लिंकर यूज किया है, ठीक है। तो ब्लिंकर का इफेक्ट यहाँ पे इस तरह से लगाया है कि टोटल एनिमेशन की ड्यूरेशन 1.5 सेकंड रखी हुई है और आइट्रेशन काउंट जो है वो इनफाइनाइट कर दिया है, जो एनिमेशन का इफेक्ट है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो है ईज इन आउट लगाया है, ड्यूरेशन अल्टरनेट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है ओपेसिटी 1 से लेके, क्योंकि ब्लिंक करवाना है आपको तो ओरिजिनली तो 1 थी ओपेसिटी, फिर आपने बहुत कम कर दी है 50% फ्रेम्स के ऊपर, आपने इसको 0.3% ओपेसिटी कर दी है, उसके बाद जब भी 100% पे जाएगा तो तकरीबन 0.5 हो जाएगा, 3 से बढ़ेगा, तो दोबारा से इस तरह से इनफाइनाइटली ये चलता रहेगा, तो ये बड़ा अच्छा सा ब्लिंक का इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आता रहेगा, ठीक है। ये ब्लिंकिंग का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, और ऊपर एक मार्की भी सिलेक्ट कर स्लाइड कर रही है, ठीक है। ऊपर मार्की का टैग लगा हुआ है, इसको स्लाइड करवाया है, उसके ऊपर आपने ब्लिंक भी कर दिया, मतलब मार्की भी चल रही है और साथ में ब्लिंक भी हो रही है, क्योंकि तो इसके ऊपर अब आपने ब्लिंक की क्लास भी लगा दी जैसे कि आपने नीचे वाले पे लगाई है, ठीक है। तो ये कुछ एनिमेशन के इफेक्ट थे और होपफुली कि आप सबको समझ में आ गए होंगे, इसकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।